हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो अपन बात करने वाले हैं अडानी विलमार आईपीओ के बारे में। तो अडानी विलमार का आईपीओ, जैसे कि आपको पता है, ऑलरेडी इसका अलॉटमेंट लिंक आ चुका है और आपने चेक भी कर लिया होगा अलॉटमेंट। और अधिकतर लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिला भी है क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफी कम गया था। और स्पेशली अपन बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो उसमें काफी कम सब्सक्रिप्शन जाने की वजह से मैक्सिमम लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिला है। तो जिसको भी अलॉटमेंट मिला है, काफी टाइम से सभी जेएमपी चेक कर रहे होंगे डेली कि कितना घटा है, कितना बड़ा है, कौन सी वेबसाइट पे कितना चल रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में सबके जेएमपी दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। सारी वेबसाइटों में मैं अलग अलग जेएमपी दिखाऊंगा कि किस वेबसाइट पे कितना जेएमपी चल रहा है, क्योंकि सारी वेबसाइटों पे एक समान जेएमपी नहीं होता है, सभी पे अलग अलग चलता है और वो भी चेंजेस होता रहता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अलग अलग वेबसाइट पर, और जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसका जेएमपी, किस वेबसाइट पे कितना जेएमपी चल रहा है आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आईपीओ आज की वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे जीएमपी आज का। तो आज का तो नहीं अपडेट हुआ है, एक्चुअली कल का जीएमपी 4 फरवरी का, आज है 5 फरवरी। आप यहाँ देख सकते हैं आज का जो जीएमपी, इसमें 35 रुपीज पर इक्विटी शेयर दिखा रहा है, जबकि कल का बात करें 2 तारीख और 3 तारीख का, तो इसमें 40 रुपए का जीएमपी इसमें चल रहा था और अभी का इसमें 35 रुपए जीएमपी दिखा रहा है। तो अभी इसमें तो ठीक ठाक दिखा रहा है जीएमपी। पिछले टाइम देखें अपन जनवरी का, 21 जनवरी का, तो ये ऑलमोस्ट 170 का चल रहा था हाईएस्ट पर, और 140 का काफी टाइम से चल रहा था। तो हाईएस्ट जीएमपी देखें इसका तो 170 का था ये, और ये था 18 जनवरी और 17 जनवरी के आसपास। उसके बाद ये 110, 100 रुपीज, 70, 50, 40, 30 ऐसे गिरते 40 के बाद ये 35 रुपीज पर भी चल रहा है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली वेबसाइट है आईपीओ वाला की वेबसाइट, और इस पे देखेंगे आज का जीएमपी तो 32 रुपीज चल रहा है, जो कि पिछली वेबसाइट से 3 रुपए कम है। आईपीओ आज की वेबसाइट पे चल रहा था 35 का, यहाँ चल रहा है 32 रुपीज का। और इसके पहले बात करें इसमें 33 रुपीज का चल रहा था, और 50, 70, 100, 170 इसका भी हाईएस्ट था, वो भी 18-19 जनवरी के आसपास का। तो ये भी इसमें सिमिलर दिखा रहा है जीएमपी। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 तारीख का जीएमपी 32 रुपीज है। इसके बाद बात करते हैं अगली वेबसाइट अपन प्रॉफिट मस्ट वेबसाइट, और इस पे अपन देखेंगे जीएमपी। तो इसमें तो 2 फरवरी का दिखा रखा जीएमपी, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है, और 2 फरवरी का इसमें जीएमपी है 28 रुपीज के आसपास, मीन्स 30 रुपीज का अराउंड चल रहा है। इसमें भी थोड़ा पुराना है, लेकिन 28 आप मान सकते हैं इसमें 30 के आसपास का। और इसके बाद अपन अगली वेबसाइट देखते हैं इन्वेस्टर्स अकेडमी की वेबसाइट, और इस पे देखेंगे आप जीएमपी कल का, तो इसमें चल रहा है 27 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और इसके पहले आप देखेंगे तो इसमें 35 रुपीज था 3 तारीख को, उसके पहले 34, 32। तो अभी रिसेंट जीएमपी अपन देखते हैं तो 27 रुपीज चल रहा है इसका रिसेंट जीएमपी, तो इसको भी अपन मान के चलेंगे, कंसीडर करेंगे 27 ही। और अगली जो वेबसाइट है अपनी है चाणक्य निपोती, ये भी काफी बढ़िया वेबसाइट है, इस पर भी काफी सटीक जीएमपी आते हैं, और इस पर अपन देखेंगे जीएमपी। तो 5 फरवरी का जीएमपी इसमें दिखा रखा है, ये लेटेस्ट जीएमपी दिखाता है, और इसमें आप देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 23 से 24 रुपीज पर इक्विटी शेयर चल रहा है, जो कि इन सभी वेबसाइट से ये लोवेस्ट है। 23, 24, 25 के नीचे इसमें किसी में नहीं था जीएमपी, इसी वेबसाइट में 23, 24 दिखा रहा है, जो कि 5 फरवरी का अपडेटेड है ये। तो ये सबसे लेटेस्ट जीएमपी आप इसको मान के चल सकते हैं। इसके बाद एक और सबसे बढ़िया वेबसाइट है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट, और जिसका एक और नया वेबसाइट है जहाँ से अपन जीएमपी चेक करते थे, topshareBrokers.com पर लेके जाता है। तो इस पर अपन जीएमपी देखेंगे आज का, तो इसमें चल रहा है 23 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और जो कि अपना इससे सिमिलर है ये चाणक्य निपोती वेबसाइट से, इसमें भी 23, 24 दिखा रहा था, इसमें 23 दिखा रहा है आज का जीएमपी। और इसका अपन अगर परसेंटेज रिटर्न देखें 23 रुपीज प्रति, अपने को 10% का रिटर्न दे रहा है, क्योंकि 230 रुपीज इसका आईपीओ प्राइस बैंड है, कट ऑफ प्राइस मैक्सिमम वाला। तो 23 रुपीज अपन देखेंगे जीएमपी, तो ऑलमोस्ट 10% का आपको अभी भी रिटर्न इसमें दिखा रहा है। वही दूसरी वेबसाइट पे 30 रुपीज का दिखा रहा था अपने को, और 30 रुपीज अगर अपन इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज में रिटर्न, तो अगर 30 रुपीज का आपको जीएमपी मिलता है तो आपको ऑलमोस्ट 13% रिटर्न मिलेगा। वही आपको 23-24 के आसपास का अगर जीएमपी मिलता है तो आपको 10% का रिटर्न देगा। तो फिलहाल की कंडीशन में तो आप 10% का रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी इसकी लिस्टिंग बाकी है, इसकी 8 फरवरी के दिन लिस्टिंग होगी, और 8 फरवरी तक अभी हो सकता है थोड़ा और ऊपर नीचे जाए, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आपको 10% का रिटर्न तो मिनिमम देके जाएगा। 10% रिटर्न की बात करें तो आपको 1500 रुपए के समथिंग इसमें एक लॉट में प्रॉफिट हो सकता है,
और देखते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन मार्केट कैसा रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इसका जीएमपी ऊपर जाता है नीचे जाता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो इसका जीएमपी बढ़ सकता है, वहीं मार्केट अगर क्रैश होता है तो आपको थोड़ा सा लॉस होने के भी चांसेस है इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से इतना क्रैश मार्केट होगा नहीं और आपको लॉस के चांसेस तो इसमें नहीं है। फिलहाल की कंडीशन में आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसमें, और यही था इस वीडियो में। और इसके बाद अगर अपन बात करें वेदांता फैशन की, जिसका भी आईपीओ ओपन हो चुका है 4 फरवरी के दिन, और इसका जीएमपी अपन बात करें तो अभी 35 रुपीज का चल रहा है, वही कट ऑफ प्राइस का 866 है। तो इस हिसाब से इसका अगर रिटर्न देखें तो 4% का इसमें रिटर्न आपको दिखा रहा है, ये जो काफी कम है देखा जाए तो 4% डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके बेसिस पर आप इसमें अप्लाई ना करें। अभी आप देखें इसका लास्ट जो क्लोजिंग डेट है वो 8 फरवरी का है, 8 फरवरी के दिन इसका सब्सक्रिप्शन किस तरह है उसके बेसिस पे आप इसमें अप्लाई करें। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इसको आप अवॉइड करें, सेकेंड डे थर्ड डे पे ही इसको आप देख कर सब्सक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। यही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।